हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेंद्र और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज की हम वीडियो में बात करेंगे एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस ऑफ टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 16। तो सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग हम समझने वाले हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है एंड क्या क्या कंडीशंस हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम बहुत ही इसको समराइज फॉर्म में करने वाले हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके पास मटेरियल तो होगा जहाँ से आप पढ़ोगे। मेन है कि समझना है कि एक्चुअल में क्या क्या दे रखा है इसके अंदर। तो मैं आपको बिल्कुल वो नहीं दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या बिल्कुल एक एक प्रोविजंस के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, एक एक सेक्शन के अंदर पूरा डिटेल में क्या क्या लिखा हुआ है, हम वो नहीं समझेंगे। हम इसकी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे, कम कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं कि एक्चुअल में ब्रीफ में समराइज फॉर्म में क्या क्या लिखा हुआ है वो हमें क्लियर हो जाए। तो वो चीज़ हम समझने वाले हैं कि ताकि हमें याद ना करना पड़े, हमें क्लियर हो जाए क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहली बात तो ये लिखी हुई है कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन ITC ले सकता है एज स्पेसिफाइड इन द सेक्शन 49। सेक्शन 49 में आपको टैक्स पेमेंट कैसे करनी है, पेनल्टी कैसे लगेगी आपके ऊपर, और आप कैसे कैसे अपना ITC कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कैड लेजर से अवेल कर पाओगे, ठीक है, और ये कैसे आपको रिफंड मिलता है टैक्स का, वो सारी बातें लिखी हुई है। तो कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन ITC क्लेम कर सकता है, उसके आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम कर सकता है अगर वो गुड्स या सर्विस को इन द कोर्स, ठीक है, अगर वो गुड्स और सर्विस को इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा है। अगर वो कोई भी गुड्स सर्विस को अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा है तो ही वो अपना ITC क्लेम कर सकता है, जो कि उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ जाएगा। अगर वो गुड्स सर्विस इन द कोर्स ऑफ फर्दर बिजनेस के लिए ये नहीं यूज़ कर रहा तो वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से ITC वो क्लेम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यही सीन है सबसे बढ़िया। पहला पॉइंट ये था कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है सब्जेक्ट टू कंडीशन अंडर सेक्शन 49 के अकॉर्डिंग ITC क्लेम कर सकता है अगर वो गुड्स और सर्विस को इन द कोर्स ऑफ फर्दर ऑफ बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा है और उसकी अमाउंट क्रेडिट हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर। बात क्लियर होगी, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन नो रजिस्टर्ड पर्सन ITC क्लेम नहीं कर सकता। नो रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल टू द क्रेडिट टू द ITC, सीधा लिख देता हूँ मैं, अनलेस कुछ ऐसे आप चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि उसके बिना ITC क्लेम वो नहीं कर पाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर वो उसका पोजेशन में नहीं है टैक्स इनवॉइस के, देखो टैक्स इनवॉइस ही आपका सबूत है कि आपने माल खरीदा था पीछे से। अगर वही आपके पास नहीं होगा, आपके पास उसका पोजेशन नहीं होगा, मतलब आपके पास ही नहीं है वो, किसी और के पास है, तो आप ITC क्लेम नहीं कर पाओगे, ठीक है। ITC क्लेम तभी करते जब आपका पोजेशन हो इस चीज़ का, टैक्स इनवॉइस का। टैक्स इनवॉइस ही हो सकता है या फिर आपका डेबिट नोट भी हो सकता है। डेबिट नोट अगर आप सप्लाई नहीं इशू किया है तो वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और एक और बात, ही हैज़ रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज फॉर बोथ, उसको गुड्स और सर्विस सारे के सारे मिल जाने चाहिए। अगर उसको रिसीव नहीं हुए हैं तो हम एक्चुअली में उसको ITC नहीं मिल पाएगा, उसको गुड्स और सर्विस मिल जाने चाहिए, ठीक है, तभी उसको ITC मिल सकता है। एक और चीज़ लिखी हुई है कि रजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स और सर्विस रिसीव्ड वाले में एक और चीज़ लिखी हुई है कि उसको डीम्ड रिसीव मान लिया जाएगा। कभी कभार क्या होता है कि आपका जो एक्चुअली में रिसिप्टेंट होता है, जैसे कि मुझे कोई गुड्स मिलने वाला था बट मैंने कह दिया कि यार मैं ना यहाँ पर हूँ नहीं इस शहर में, तो मेरी जगह मेरा एक एजेंट है वो कलेक्ट कर लेगा, ठीक है, वो कलेक्ट कर लेगा। तो अगर कोई पर्सन मेरी तरफ से कलेक्ट कर लेगा तो उसको मान लिया जाएगा डीम्ड सप्लाई या डीम्ड रिसीव्ड। तो
पर्सन अगर कोई मेरी एक्ट कर रहा है मेरी डायरेक्शन में, पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, उसने अगर रिसीव कर लिया है, चाहे वो एजेंट है या नहीं है, वो एक्चुअली में उसको हम डीम्ड रिसीव मान लेंगे कि वो मेरी तरफ से रिसीव हो चुका है, कि मैंने ही रिसीव कर लिया है। अगर मैंने कह दिया कि ये मेरा पर्सन है उसको रख दे देना, तो वो मेरी तरफ से रिसीव हो चुका है, ये मान लिया जाएगा। बात समझ में आ गई? दोनों पॉइंट क्लियर अच्छे थे कि कोई रजिस्टर्ड पर्सन ITC क्लेम नहीं कर सकता, उसके बाद पोजेशन अगर नहीं है टैक्स इनवॉइस का, डेबिट नोट का, और उसको रिसीव नहीं हुआ है गुड्स या सर्विसेज या डीम रिसीव नहीं हुआ है, तो नहीं कर पाएगा वो ITC क्लेम। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते फिर अगला पॉइंट। देखो, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 49 के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन, एक्चुअली में ये प्रोविजन आपके सामने, ये जो है सेक्शन 41 में यही लिखा हुआ है कि जो आपका यही ITC कैसे क्लेम करना है, आपका जो ITC है वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ जाता है, फिर आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो अपने आउटपुट टैक्स की पेमेंट करने के साथ, ये आपका सेक्शन 41 में लिखा हुआ है। तो वही कह रहा है कि सेक्शन 41 के अकॉर्डिंग टैक्स चार्ज हो जाना चाहिए, टैक्स चार्ज जो हुआ है, टैक्स चार्ज ऑन सच सप्लाई, ऑन सप्लाई हैज़ बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट, हैज़ बीन एक्चुअली पेड टू गवर्नमेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कैश में हो, आइदर इन कैश, ठीक है, आइदर इन कैश और थ्रू ITC, मतलब कि आपके सामने अगर, जैसे कि आपको पता है कि आज आपने माल खरीदा होगा तो आपके ऊपर टैक्स चार्ज हुआ होगा, बट अगर सप्लायर ने वो गवर्नमेंट को जमा नहीं करा वो वाला टैक्स, क्योंकि उसको जमा करना ज़रूरी था क्योंकि उसने टैक्स चार्ज आपसे किया है, तो उसको तो जमा करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, अगर उसने गवर्नमेंट को ही जमा नहीं करा तो आप ITC क्लेम नहीं कर पाओगे, बिकॉज उसी टैक्स से ही आपको ITC मिलेगा, जब तक गवर्नमेंट टैक्स आएगा ही नहीं तो आपको ITC की देगी कैसे गवर्नमेंट। तो इसलिए ITC जो आपको ऐसे तभी क्लेम हो सकता है जब सप्लायर ने वो टैक्स पे कर दिया हो गवर्नमेंट को, चाहे कैश के थ्रू या फिर उसका जो पिछला ITC होगा उसके पास, उसको यूटिलाइज़ करके पे कर दिया हो, जैसे मर्जी पे करो हमें मतलब नहीं है, लेकिन पे करना ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट बात है। क्लियर होगी यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं। ही हैज़ फर्निश्ड द रिटर्न अंडर सेक्शन 39, उसको रिटर्न भी फाइल कर देनी है। किसको बात हो रही है? सप्लायर की बात हो रही है, हमारी बात नहीं हो रही है, हम सप्लायर की बात कर रहे हैं, जो सप्लायर ने टैक्स पे किया उसको रिटर्न भी फाइल कर देनी है अंडर सेक्शन 39। 39 में अगर रिटर्न फाइल नहीं करी तो भी आपको ITC नहीं मिल पाएगा। सेक्शन नंबर 39 है आपका रिटर्न फाइल का, कि कौन कौन सी रिटर्न्स होती है जिसमें आपको फ़ाइल करनी होती है, हर महीने आपको फ़ाइल करनी होती है, तो वो रिटर्न अगर आपने फाइल नहीं करी है तो भी आप टैक्स नहीं जमा करोगे, बिकॉज रिटर्न फाइल करके ही तो समझ में आएगा ना कि गवर्नमेंट को क्या आपने टैक्स जमा कराया भी है कि नहीं कराया है, ऐसी भी, इसीलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखते हैं हमारा क्या है। देखो यहाँ पर बहुत ही अच्छी समराइज वे में आपको बता रहा हूँ, बस आपको यहाँ से भी अगर आप ढंग से पढ़ लेते हो तो भी आप इसको बना के अच्छे से लिख पाओगे। बेसिकली इसको बहुत डिटेल में भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, कहीं से आप डिटेल में लिखा होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो जो उसमें मेन बातें हैं उस प्रोविज़न के अंदर, हर एक प्रोविज़न को मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर जो रिसिप्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रिसिप्टेंट, देखो हमने वही बात करी कि उसको टैक्स जमा करा देना चाहिए सप्लायर को, उसको रिटर्न फर्निश कर देने चाहिए, लेकिन अब रिसिप्टेंट का पॉइंट आ गया, अगर रिसिप्टेंट ने भी गलती कर दी है तो भी आप ITC क्लेम नहीं कर सकते। वो गलती क्या है? अगर रिसिप्टेंट ने पेमेंट नहीं करी, पेमेंट नॉट मेड विद इन 180 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर, अगर उसने पेमेंट ही नहीं करी है, 180 दिन गुजर चुके हैं, सप्लायर ने जब इशू इनवॉइस इशू किया था और उसके 180 दिन गुजर चुके हैं,
बट आपने पेमेंट ही नहीं करी अभी तो उसको। आपने लिखा होता ना कि आपने आपने कहा था कि मैं पेमेंट बाद में करूँगा, बट 180 दिन हो चुके हैं और आपने पेमेंट ही नहीं करी और आपने ITC क्लेम कर दिया है। तो भाई आपको वो जो आपने ITC क्लेम कर दिया है, आपने दिखा तो दिया इनवॉइस के अकॉर्डिंग कि मैं ठीक है मैं पेमेंट करूँगा इस डेट पे, ड्यू डेट आपकी हो चुकी है और आपने पीछे तो ITC ब्लैक कर दिया था। अब ड्यू डेट निकल गई, आपने पेमेंट ही नहीं करी और 180 दिन गुजर चुके हैं, बिकॉज इनवॉइस में ड्यू डेट भी लिखी होती है कि मैं इतने डेट को पेमेंट करूँगा। अब गवर्नमेंट ने आपकी बात मान ली कि ठीक है चलो हम आपको ITC दे देते हैं, बट आपने पेमेंट ही नहीं करी और 180 दिन हो चुके हैं। तो गवर्नमेंट कह रही है फिर आपका जो ITC आपने क्लेम किया था उसको वापस ही आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो जो ITC है वो आपकी वापसी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में वापसी ऐड कर दिया जाएगा, तो आपका कोई ITC इसका मतलब नहीं मिलेगा। फिर आपको वापसी ITC जो आपने लिया था वो सब आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी। चलिए, लेकिन आपको यहाँ पर बता दूँ कि आप यहाँ पर आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड तो कर दिया जाएगा, लेकिन अब उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज होगा इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है अब आपकी गलती है तो आपको हम इंटरेस्ट भी लेंगे, तो इंटरेस्ट के साथ अब उसको देना पड़ेगा लाइबिलिटी को। चलिए अगला पॉइंट समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना जो मैं आपको यहाँ पर बताया था ना पेमेंट की, पेमेंट नहीं करी है, पेमेंट में टैक्स भी इंक्लूड है, ऐसा ना समझना ना बिना टैक्स वाले पेमेंट, क्योंकि जो वो पेमेंट करते हैं तो वो टैक्स इंक्लूड करके करेंगे ना, उसे जो पेमेंट चार्ज करेगा हमारे से वो टैक्स इंक्लूड करके करेगा, तो ये भी आपको समझना है। अगला पॉइंट समझते हैं, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने, रजिस्टर्ड पर्सन यहाँ पर हम किसको बोल रहे हैं, रिसिप्टेंट को, एक्चुअली वही तो क्लेम करते हैं ना, तो रजिस्टर्ड पर्सन ने अगर कोई डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है, ठीक है, डेप्रिसिएशन क्लेम्ड ऑन टैक्स कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, मतलब कैपिटल गुड्स आपने कोई ख़रीदा था और आपने सोचा था कि मुझे इसका ITC मिल जाएगा, बट आपने अगर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है, आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है उसके टैक्स कंपोनेंट में कैपिटल गुड्स के, तो ITC उस टैक्स कंपोनेंट का जो आपका है वो आपको ITC नहीं मिलेगा। इसको हम थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं, ऐसे समझ नहीं आएगा। देखो सपोज करो एक असेसी है मिस्टर ए ने एक एसेट खरीदा अपने बिजनेस के लिए और वो एसेट खरीदा 1,00,000 रुपए का, एंड उसने उसके ऊपर जो टैक्स पे किया वो किया था 20,000 रुपए का। ठीक है, डेप्रिसिएशन का जो रेट चल रहा है, डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो 10% के हिसाब से। ठीक है, अब देखो, अब इसके पास ना दो केस है, वो दो केस आपको समझने हैं एक्चुअली पे। या तो वो सीधा ITC क्लेम कर सकता है इस 20,000 वाले पे, जिसने एक्चुअली में 20,000 का टैक्स दिया, वो आपको ITC मिल जाएगा। ठीक है, वो दूसरा भी चीज कर सकता है, वो आपको बताऊंगा। तो केस वन क्या है, केस वन ये है कि वो टैक्स को कैपिटलाइज कर सकता है, टैक्स हैज़ बीन कैपिटलाइज्ड। क्या मतलब होता है अभी मैं आपको बताता हूँ कैपिटलाइज क्या है ये मतलब। तो टैक्स हैज़ बीन कैपिटलाइज, इसका मतलब क्या है कि देखो वो अपने क्या करेगा, 1,00,000 रुपये को ऐसे खरीदा, अब 20,000 रुपये का इसने क्या करा, टैक्स दिया, तो ये 20,000 रुपये ये टैक्स अपनी कॉस्ट में जोड़ लेगा। नॉर्मली अब जोड़ते नहीं है, लेकिन कॉस्ट में जोड़ लेगा। देखो कॉस्ट में हम तब जोड़ते हैं जब हमें पता होता है कि इसका ITC मुझे नहीं मिलने वाला 20,000 रुपये का। अगर वो 20,000 रुपये का मुझे ITC नहीं मिलने वाला तो मैं उसको कॉस्ट में जोड़ दूंगा। अगर 20,000 रुपये का ITC मुझे मिलेगा, मुझे पता है कि वापसी मिल जाएगा मुझे टैक्स, तो मैं उसको अपनी कॉस्ट में जोड़ूंगा नहीं, बिकॉज वो मेरे लिए कॉस्ट है ही नहीं, क्योंकि मुझे वो 20,000 रुपये फ्यूचर में जब मैं सामान आगे बेचूंगा और टैक्स की लाइबिलिटी पे करूंगा तो वो 20,000 रुपये एडजस्ट कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहला केस है कि वो 20,000 रुपये का कॉस्ट में इंक्लूड कर लेगा, तो इसको बोलते हैं कैपिटलाइज करना, 20,000 रुपये को कॉस्ट में इंक्लूड कर लेगा, यानी कि उसने कैपिटलाइज कर ली टैक्स को कैपिटलाइज कर लिया अपनी वैल्यू के अंदर। तो ऐसे केस में अब ये डेप्रिसिएशन जब लगाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो डेप्रिसिएशन किस पे लगाएगा, 1,00,000 पे लगाएगा या 1,20,000 पे लगाएगा। अब कॉस्ट 1,20,000 पे है, तो इस पे 10% डेप्रिसिएशन लगाएगा तो कितना आएगा, 12,000 पे का। तो एक्चुअल में 12,000 पे में आप देखो तो 1,00,000 का 10% होता है 10,000, लगना चाहिए था 10,000 पे,
लग कितना रहा है, 12,000 रुपये, यानी कि 2,000 रुपये का ये टैक्स के कंपोनेंट पे डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो इस केस में वो ये कह रहा है कि अगर आप टैक्स को कैपिटलाइज कर लेते हो, अपनी कॉस्ट में इंक्लूड कर लेते हो, तो आप ITC क्लेम नहीं कर सकते आप टैक्स जो आपने दिया था, बिकॉज आपने अब उसको कैपिटलाइज कर दिया, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन आप टैक्स के कंपोनेंट पे क्लेम ही नहीं कर सकते। इस 2,000 रुपये का जो आपका टैक्स में डेप्रिसिएशन आ रहा है, डेप्रिसिएशन टैक्स पे भी आप लग रहा है, वो आप क्लेम नहीं कर सकते कि मुझे वापसी दो। तो अमाउंट ऑफ टैक्स अगर आपने कैपिटलाइज कर दिया तो असेसी ने, तो असेसी उस अमाउंट पे वापसी नहीं ले सकता, 20,000 रुपये वापसी नहीं ले सकता, 2,000 रुपये ले नहीं सकता, वैसे भी 20,000 रुपये पूरा का पूरा वापसी आप नहीं ले सकता। तो दूसरा केस होता है कि आप उसको कैपिटलाइज करोगे ना, ठीक है। दूसरा केस क्या होता है, टैक्स हैज़ नॉट बीन कैपिटलाइज्ड। तो अगर आपने टैक्स कैपिटलाइज नहीं करा है तो क्या होगा, आपके सामने अपनी कॉस्ट इंक्लूड कॉस्ट जो है वो 1 लाख ही रखोगे, डेप्रिसिएशन लगेगा 1 लाख का 10%, 10,000 रुपये। तो ऐसे केस में आपको पता है कि आपने कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करा, तो अब असेसी 20,000 रुपये का क्या कर लेगा, ITC ले सकता है। तो वही लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन क्लेम अगर आपने कर लिया है टैक्स कंपोनेंट पे, क्लेम ऑन अ टैक्स कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, तो उस केस में आप नहीं कर सकते डेप्रिसिएशन अगर आपने क्लेम कर लिया टैक्स कंपोनेंट पे। देखो 20,000 रुपये का आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया था ना, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन क्लेम ऑन टैक्स कंपोनेंट, तो आप ITC क्लेम उस समय नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्लियर होगी बात। तो अगर डेप्रिसिएशन आपने क्लेम कर लिया है इसके ऊपर 20,000 रुपये, तो आप 20,000 का ITC नहीं ले सकते। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने लगभग लास्ट पॉइंट की तरफ इस सेक्शन में, कि देखो टाइम डेट, आपके ड्यू डेट क्या है, इसको कह दो टाइम लिमिट कह सकते हो आप, टाइम लिमिट या फिर ऑफ टेकिंग ITC, वैसे तो आप टाइम लिमिट ना कह लो, इसको कह दो ड्यू डेट। ड्यू डेट क्या है, ITC आप कब ले सकते हो, आपको कब तक आपको ITC लेना है। देखो ITC आप ले सकते हो अगर अगर जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न, आपकी जो ड्यू डेट है रिटर्न फाइल करने की अंडर सेक्शन 39, 4 मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, ये भी आपको ध्यान से बनना है, सेप्टेम्बर के महीने के बाद आप ITC क्लेम नहीं कर सकते, यानी कि सेप्टेम्बर के महीने तक ड्यू डेट है आपकी ITC क्लेम करने की, वो वाली रिटर्न जो आपको सेप्टेम्बर की रिटर्न फाइल करनी है उसकी जो ड्यू डेट है उस समय आप ITC क्लेम कर सकते हो, या फिर जो आप एनुअल रिटर्न फाइल करते हो उस समय भी आप ITC क्लेम कर सकते हो, इन दोनों में से जो भी पहले डेट आ रही है, विच एवर इज़ अर्लियर, वो आपकी ड्यू डेट बन जाएगी ITC क्लेम करने की, मतलब कि सितंबर, सितंबर की जो आपकी ड्यू डेट है रिटर्न फाइल करने की वही आपकी बन जाएगी, क्योंकि इन दोनों में से जो पहले क्या आ रहा है, सितंबर आ रहा है, ऑब्वियसली बात है ना, साल ख़त्म होने से पहले क्या आएगा, सितंबर। तो इन दोनों में से जो भी आपकी पहले डेट आएगी वही आपकी ड्यू डेट है, मतलब कि सितंबर की जो आप रिटर्न फाइल करते हो उस समय तक आपको ITC ले लेना है, उसके बाद नहीं ले सकते आप, सितंबर की रिटर्न फाइल करने के तक आप ले सकते हो। आई होप आपको अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो गया है पूरा का पूरा, मैंने आपको पूरी समझाने की कोशिश की है बिल्कुल ईजी भाषा में, कि आपको बिल्कुल तरीके समझ में आ जाए, और सब कुछ भी आपको बता दूँ और ना ही आपको ढंग से दोबारा पढ़ना पड़े। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एक एक चीज़ यहाँ से आप लिख भी सकते हो, इस तरीके से अपने नोट्स भी बना सकते हो। पहले मैंने आपको ये चीज़ बताई कि रजिस्टर्ड पर्सन ले सकता है अगर वो इन द कोर्स ऑफ पर्सनल बिजनेस, और उसके यहाँ पर आ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, वो तब तक ले सकता है जब तक उसका पोजेशन ना हो और उसको गुड्स और सर्विस रिसीव हो चुकी हो, चाहे वो डीम रिसीव हो, सब्जेक्ट टू प्रोविजन सेक्शन 41, टैक्स जो चार्ज किया है वो उसको एक्चुअली पेड करना चाहिए गवर्नमेंट को, उसको रिटर्न भी फाइल करनी चाहिए, रिसिप्टेंट को पेमेंट कर देनी चाहिए 180 डेज़ के अंदर, और वो डेप्रिसिएशन क्लेम अगर उन्हें कर लिया टैक्स कंपोनेंट पे तो वो फिर ITC क्लेम नहीं कर पाएगा। उसको हमने अच्छे से समझा, और फिर हमने समझा कि उसकी ड्यू डेट है या तो सेप्टेम्बर की रिटर्न फाइल करनी जो होती है उसकी ड्यू डेट, या फिर एनुअल रिटर्न, विच एवर इज अर्लियर। आई होप दिस इज़ क्लियर। मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।